हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि उसके नेम के अंदर ही आ जाता है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो आपके पास मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर? इट मींस कि 2x2, 3x3, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? और एक बात खास ध्यान देनी है कि उसके लिए जो भी हम लोग को फैक्टर्स फाइंड करेंगे, को फैक्टर्स मीन्स माइनर, यानी कि जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, तो उसमें कैसा हम लोगों ने 3x3 मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के लिए को फैक्टर्स फाइंड किए थे। क्लियर? तो वैसा यहाँ पे तीनों के तीनों रो का फाइंड करना है। वहाँ पे एक रो का किया था, यहाँ पे तीनों के तीनों रो का फाइंड करना है। लेकिन स्लाइट चेंज इज दैट कि वहाँ पे जो ये फैक्टर्स होते थे, यानी कि 2 का फाइंड करते थे तो 2 मल्टीप्लाई होता था, 3 का फाइंड करते तो आगे 3 मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर? और खास ध्यान देना कि साइन कैसे रखेंगे। वहाँ पे साइन कैसा था, सिर्फ 3 साइन रखने थे, प्लस माइनस एंड प्लस। यहाँ पे अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो आप साइन रखोगे प्लस माइनस माइनस प्लस। इट मींस आपको यही ध्यान देना है कि अगर आप लोगों ने प्लस रखा है यहाँ पे, तो उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप या फिर डाउन, कोई भी साइड प्लस नहीं होना चाहिए। क्लियर? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन प्लस नहीं होना चाहिए। उसके आजू बाजू में जो भी साइन होगी वो माइनस होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखो प्लस, ऊपर और ये साइड तो कुछ है नहीं, यहाँ पे देखो तो कि माइनस है, नीचे देखो माइनस है। क्लियर? यहाँ पे प्लस देखो, ऊपर माइनस है, साइड में माइनस है। माइनस है तो भी ऐसा, उसके लेफ्ट, राइट और अप एंड डाउन प्लस नहीं हो, माइनस नहीं होना चाहिए। क्लियर? इट मीन्स कि अगर यहाँ पे प्लस है ना तो उसके नीचे माइनस ही आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो उसके नीचे प्लस ही आएगा। क्लियर? आपको ये ध्यान देना है। और अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो आपके साइन ये होंगे, 2x2 प्लस माइनस माइनस प्लस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स गाइज अल्टरनेट रखने में ये भूल कर देते हैं कि प्लस माइनस रख देते हैं, लेकिन ये खास ध्यान देना है प्लस माइनस माइनस प्लस है। क्लियर? और अगर 3x3 का मैट्रिक्स है ना तो आप अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, यानी कि टोटली अल्टरनेटली रखोगे आँख बंद करके तो भी चलेगा। ज़्यादातर जो ख्याल है वो आपको 2x2 वाले मैट्रिक्स में रखना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। क्लियर गाइस? अब देखते हैं कि अगर हमारे पास 3x3 वाला मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम लोग उसके को फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल 2 है तो सेम एज इट इज रूल, जिसका भी को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं ना उसके रो और उसके कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते, अलावा के सारे जो बचेंगे वो लेंगे। क्लियर? तो अगर 2 का फाइंड करें, देखो 2 में से कुछ नहीं लेना है तो क्या बचेंगे, 0, 6, 7, 8। यानी कि 2 के को फैक्टर्स क्या रहेंगे, 0, 6, 7, 8, जिसको हम लोग लिखेंगे बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन। अगर 3 के फाइंड कर रहे हैं तो क्या मिलेंगे, उसके कॉलम और रो को छोड़ दो, क्या बचेंगे, 1, 6, 5, 8। क्लियर? अगर 4 के फाइंड कर रहे तो इन दोनों को छोड़ दो, क्या बचेंगे, 1, 0, 5, 7। क्लियर? ये इसके को फैक्टर्स है, माइनर भी आप कह सकते हो इसके। क्लियर? सेम एज इट इज अगर 1 का फाइंड करें, देखो सेकेंड रो में से कुछ फाइंड करें, अगेन उसका रो और उसके कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते, जो बचेगा 3, 4, 7, 8, 3, 4, 7, 8। क्लियर? अब अगर 0 का फाइंड करें, सेम एज इट इज, उसके रो और उसके कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते, तो क्या बचेगा 0 के लिए, 2, 4, 5, 8। क्लियर? अगर हम लोग 6 के लिए फाइंड कर रहे हैं, उसके रो और उसके कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते, क्या बचेगा, तो कि 2, 3, 5, 7। क्लियर? सेम इज इट इज अगर 5 के लिए फाइंड करें, तो वो रो और वो कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते, क्या बचेगा 5 के लिए, 3, 4, 7, 8। क्लियर? अगर 7 के लिए है तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते, उसके रो और उसके कॉलम में से कुछ नहीं, क्या बचेगा, 2, 4, 1, 6, 2, 4, 1 एंड 6। और अगर लास्ट 8 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हमें को फैक्टर्स कैसे फाइंड करने, उसके रो कॉलम में से कुछ नहीं, क्या बचेगा, 2, 3, 1, 0। क्लियर? अब इनको साइन देने की भी बारी आएगी। साइन ऑलवेज कैसा देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर? ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर गाइस? आइए कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। इस 2x2 और 3x3 का मैट्रिक्स है ना, उसमें एडजॉइंट फाइंड करने में स्लाइटली डिफरेंस है, वो आपको पता चल जाएगा इलस्ट्रेशन करेंगे ना तब। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो अगर 2x2 में एडजॉइंट फाइंड कर रहे थे, वी हैव ए फॉलो 3 स्टेप, वी हैव टू फॉलो। क्लियर? फर्स्ट वन,
आपको क्या करना है, तो कि दोनों को क्रॉस में एक्सचेंज करना है, 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 2, 5 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 5, दोनों को क्रॉस में एक्सचेंज करना है, देन उसको साइन प्रोवाइड करना है ये वाला मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, और उसका ट्रांसपोज लेना है, क्रॉस एक्सचेंज, साइन एंड ट्रांसपोज, क्लियर। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि उसके को फैक्टर, जो हम लोग क्रॉस उसका एक्सचेंज करते हैं ना, उसको को फैक्टर कहते हैं, को फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो कि उसको चेंज करो, क्या हो जाएगा, 4, 2 एक्सचेंज कर दिया और 1, 5 एक्सचेंज कर दिया, क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप, साइन। साइन कैसा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, क्लियर, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्लियर। अब क्या करना है, तो कि ए का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि को फैक्टर का ट्रांसपोज लेना है, रो कॉलम बन जाएगी, अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, क्लियर। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप, फर्स्ट वन क्रॉस एक्सचेंज, प्रोवाइड साइन एंड डू ट्रांसपोज, क्लियर। 2 by 2 का है तो ये मेथड फॉलो करना है, क्लियर। सेकेंड वन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16, अगेन हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, को फैक्टर्स, क्लियर। को फैक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं गाइस, तो कि एक्सचेंज, पहले एक्सचेंज कर दो 7, 10 को, 10 और 7, अब 8, 2 को, 2, 8, क्लियर। व्हाट इज आवर सेकेंड स्टेप, प्रोवाइड साइन, माइनस माइनस, यानी कि क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, एंड व्हाट इज आवर लास्ट स्टेप, ट्रांसपोज, यानी कि रो है वो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम है वो रो बन जाएंगे, क्लियर। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 10 - 2 - 8 - 7, क्लियर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्लियर।